दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज अगर हमसे पूछा जाए कि साल 2070 कैसा दिखेगा तो हम कहते हैं कि आसमान में उड़ने वाली गाड़ियां चलेंगी, जमीन पर ट्रैफिक नहीं होगा, सब कुछ एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा। पर क्या आपको मालूम है सेम यही तस्वीर आज से 50 साल पहले लोगों ने देखी थी। उन्हें भी लगता था कि साल 2020 तक टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा फास्ट हो जाएगी कि हमें फ्लाइंग कार देखने को मिलेगी। टेक्नोलॉजी अपने चरम पर पहुंच चुकी होगी, सब कुछ बदल चुका होगा, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर दोस्तों चिंता मत कीजिए, फ्लाइंग कार एक ऐसी चीज है जो हकीकत बनती जा रही है, क्योंकि आज साल 2022 में स्लोवाकिया में एक कंपनी ने सफलतापूर्वक आसमान में उड़ने वाली कार को बनाकर तैयार कर लिया है, और ये हमें भविष्य में नहीं बल्कि वर्तमान में देखने को मिल रही है। तो क्या है इस उड़ने वाली कार की असलियत, चलिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ जानते हैं। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये जो फ्लाइंग कार है ये सुनने में बहुत ही फ्यूचरिस्टिक चीज लग रही है, पर दोस्तों क्या आपको मालूम है इसे बनाने की शुरुआत आज से 100 साल पहले ही हो गई थी। जी हाँ, साल 1917 में पहली कोशिश की गई थी फ्लाइंग कार बनाने की, या फिर एक ऐसे एयरक्राफ्ट को बनाने की जो सड़क पर भी चल सके और जब मर्जी किया उसे आसमान में उड़ाया जा सके। इसे नाम दिया गया ऑटो प्लेन। पर दोस्तों जब इसे उड़ाने की कोशिश की गई तो ये जमीन से थोड़ा ऊपर तो उठी थी, लेकिन बदकिस्मती से कभी भी सफलतापूर्वक उड़ नहीं पाई, यानी ऑटो प्लेन एक बहुत बड़ा फेलियर रहा था। हालांकि इसके बाद कई सारी कोशिशें हुई। साल 1933 में यूएस के एयर कॉमर्स ब्यूरो ने एक प्रतियोगिता रखी जिसका नाम फ्लीवर कंपटीशन था। इन्होंने लोगों को चैलेंज किया कि कोई एक ऐसा एरोप्लेन का डिजाइन बनाकर दिखा दे जिसकी लागत $700 से भी कम लगेगी। इस प्रतियोगिता में कई सारे लोगों ने हिस्सा लिया और तरह तरह के मॉडल तैयार किए, जिनमें से एक था एरोबाइल। ये गाड़ी की तरह दिखने वाला एक एरोप्लेन था जो सच में उड़ सकता था, लेकिन कभी भी प्रोडक्शन नहीं किया जा सका क्योंकि उस वक्त बहुत बड़ी आर्थिक मंदी चल रही थी, इसलिए इस प्रोजेक्ट को फंडिंग नहीं मिल पाई और सब कुछ वहीं खत्म हो गया। लेकिन फिर आया 1945 जब अमेरिकन इन्वेंटर रॉबर्ट एडिसन फुल्टोन ने एयर फिबियन नाम का एरोप्लेन बनाया जो दिखने में पूरा एरोप्लेन की तरह ही लगता है। बस फर्क यह है कि इसका आगे वाला हिस्सा हटाया जा सकता था। करीब 5 मिनट का समय लगता था इस एरोप्लेन को कार में बदलने में। आपको बता दें अपने टाइम में ये बहुत ही इनोवेटिव चीज थी जिसे फ्लाइट सर्टिफिकेशन भी मिल गया था। पर यहाँ दो चीजें एक साथ जोड़ने की वजह से ये ना तो एक अच्छा एरोप्लेन बन पाया ना ही अच्छी कार बन पाई, जबकि होना ये चाहिए था कि एक कार हो जो प्लेन में ट्रांसफॉर्म हो सके और ये सब कुछ इतने बढ़िया तरीके से हो कि इंसान देखता रह जाए। हालांकि उस समय ना सिर्फ पैसों की कमी थी बल्कि टेक्नोलॉजी की भी कमी थी, इसलिए जितनी बार भी कोशिश की जा रही थी उतनी बार नाकामी हासिल हो रही थी। पर आज पैसा और टेक्नोलॉजी भरपूर मात्रा में मौजूद है। तभी अक्टूबर 2021 में एक स्वीडिश कंपनी जेटसन एरो ने अपना जेटसन 1 जहाज दुनिया के सामने लाकर रख दिया, जो दिखने में प्रॉपर कार की तरह तो बिल्कुल नहीं है, और हम पहली फ्लाइंग कार से ये उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि वो बिल्कुल लग्जरियस मर्सिडीज की तरह दिखाई दे। लेकिन हाँ, इसे आप एक बड़े साइज का ड्रोन समझ सकते हैं जिसके अंदर एक आदमी बैठता है और इसे पायलट की तरह उड़ाता है। जेटसन कंपनी ने अपने इस जहाज पर 217 से काम करना शुरू किया था। इसकी खास बात इसका डिजाइन है क्योंकि एक हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए हेलीपैड चाहिए होता है, लेकिन ये इतना छोटा है कि इसे आप अपने आराम से घर की छत पर भी लैंड करवा सकते हैं। इसके वजन को कम रखने के लिए इसका पूरा फ्रेम एल्यूमिनियम का बनाया गया है। इसका कुल वजन 86 किलोग्राम है जो कि बहुत ही हल्का है, और जो इंसान इस पर बैठेगा उसका वजन 95 किलो तक हो सकता है। सबसे खास बात यह है कि आपको इसे उड़ाने के लिए किसी भी पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूएस के लॉज के अकॉर्डिंग घर पर बने सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए किसी भी पायलट के लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो सिंगल सीटर है, यानी कि सिर्फ एक इंसान इस पर बैठ सकता है, और ये होम बिल्ड है, यानी कि जब आप इसे खरीदेंगे तो ये 50% तक पहले से असेंबल रहेगा, लेकिन जब आप इसे ऑर्डर करवाएंगे तो इसे खोलने के बाद आपको बाकी की असेंबलिंग खुद से करनी पड़ेगी। हालांकि वो ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, चिंता मत करो, क्योंकि एयरक्राफ्ट बनाया ही लोगों की सुविधा के लिए, लोग कहीं पर कभी भी आसमान की ऊंचाइयों तक हवा से बातें कर सके। वैसे कंपनी ने यहाँ पर काफी दिमाग लगाया है। अगर कंपनी इसे कुछ ज्यादा ही लग्जरियस या फिर एडवांस बनाने की कोशिश करती तो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट वगैरह होने पर कंपनी के ऊपर केस किया जा सकता था,
लेकिन लोग इसे ऑर्डर करने के बाद काफी हद तक खुद ही बनाकर तैयार करते हैं, तो कंपनी किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट वगैरह की जिम्मेदारी नहीं लेती। वैसे देखा जाए तो जेटसन वन एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक चीज है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप इसे रात में नहीं उड़ा सकते, शहर के ट्रैफिक के ऊपर नहीं उड़ा सकते। वैसे अगर इसके फाउंडर की माने तो इनका साफ तौर पर कहना है कि हम इस एयरक्राफ्ट के जरिए बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि हम तो लोगों की ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं जिसमें लोग इसे उड़ाकर मजे ले सकें। ऑल टोटल कहा जाए तो दोस्तों फ्लाइंग कार तो आ चुकी है, लेकिन अगर आप प्रॉपर सड़कों के ऊपर उड़ने वाली फ्लाइंग कार को देखना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी आगे बढ़ ही रही है और दुनिया भर में लगातार तरह तरह की प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा फंडिंग भी नहीं मिल पा रही। साथ ही इस वक्त फ्लाइंग कार न होने के और भी कई कारण हैं। पहला तो ये कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक साथ नहीं होगा, धीरे धीरे लोग इन सारी चीजों के आदी होंगे, तब हम आसमान में प्रॉपर गाड़ियां उड़ते हुए देख सकते हैं, ताकि जमीन पर ट्रैफिक कम हो और लोग अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच पाए। हालांकि अगर आप अपनी मर्जी से उड़ना चाहते हैं तो इस वक्त जेटसन वन सबसे बेहतर विकल्प है। बाकी क्या आप जेटसन वन में उड़ान भरना चाहेंगे? अपना जवाब कमेंट में दीजिए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।